जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हूँ अप्रैल 12 सोमवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी देश विदेश आज अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही है। सहित राज्य में आज अनेक नुआ नियम एवं किसी कटक लगे राज्य सरकार। आईपीएल संपर्कित खबर होवा पाणीपाग संपर्कित खबर हो समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक रही। तेणु आपण भिडियोटी संपूर्ण देखिले आज सकाळर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सहित समस्त नुआ नियम एवं किसी सूचना गुड़िक जापरेंगे। डेली डेली यही नुआ नुआ अपडेट पाइबापी आम चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु जहाँफल जब भी नुआ नुआ भिडियो आसो आप सर्वप्रथमें देखिपारे। नंबर एक, झराफुल मृत्यु घटना। रमादेवी छात्री झराफुल नायक मृत्यु घटन आउ जड़े अभियुक्त गिरफ। गिरफ अभियुक्त हेले भुवनेश्वर सुंदरपदा अंचल अमरेश राउत। ओयो गेस्ट हाउस बुकिंग करने सहित झराफुल हत्या षड्यंत्र। झराफुलों पुरुष बंधु राकेश को सहयोग करते अमरेश। पुलिस तदंतर यह जनापड़ा पर आज अभियुक्त अमरेश को पुलिस गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर जाजपुर एसपी राहुल पीआर सूचना देते। तबे एही घटनार अन्यतम अभियुक्त कहुवा शक्ति शेखर स्वाई ओरफ शेखर एपर्यंत धरा पड़ी ना। तबे एही घटनार मुख्य अभियुक्त राकेश स्वाई वर्तमान जेल रे अच्छी। नंबर दुई, हाइदर को धरिया को बड़ ऑपरेशन। पुलिस आखिरे धूली दे फेरार हो जाए हाइदर। तबे हाइदर को धरवाई एवं पुलिस पक्षर बड़ ऑपरेशन आरंभ करा। पुलिस एडीजी को अध्यक्षतार बसी बैठक पर क्राइमब्रांच एसपी एने सूचना देते। राज्यर समस्त एसपी मान सतर्क कर दि जाए। यह सहित छम गठन कर हाइदर को धरवाई प्रक्रिया आरंभ हो। तेरे यही घटन सुरक्षा दायित्व छज पुलिस कर्मचारी सस्पेंड करा जाइछि। विभागीय तदंत पर जड़े हाबिलदार एवं पांच जन कनेस्टबल को सस्पेंड करा जाइथिबा जना पड़िछि। नंबर तीन, चारि दिन रे एक कोटी जरिमाना आदाय। राज्य सरकार तरफ आरंभ कर स्पेशल ड्राइव। तबे एथिरे कोविड नियम उल्लंघन करुथिबा अभियुक्त मानंक ठारु चारि दिन रे एक कोटी टंका जरिमाना आदाय करा जाइछि। चतुर्थ दिन रे मुहरे मास्क व्यवहार नियम उल्लंघन एवं सामाजिक दूरता नियम मानु नथिबारु ओडिशा पुलिस पक्षरु 11,500 जन को दंडित करा जाइछि। एवं 24 घंटा मध्य पुलिस पक्षरु 34,64,000 400 टंका जोरीमाना आदाय करा जाइछे। राज्य में कोविड नियम उल्लंघन करथिबारु 44,864 जनक विरुद्ध रे पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। नंबर चार, नवम श्रेणी परीक्षा 30 पर निष्पत्ति। आसंता एप्रिल 30 पर नवम श्रेणी परीक्षा पर निष्पत्ति हेबो एने सूचना देते गणशिक्षा मंत्री। से कहते सरकार चाहते नवम श्रेणी पिलामानकर वार्षिक परीक्षा हेउ एवं सरकार मध्य एथिपाई प्रस्तुत अछन्ति। किंतु कोरोना पाई एप्रिल 30 तारीख पर्यंत स्कूल बंद रही तेणु पिलामानकर प्रायत कोर्स शेष होइछे। तेणु एप्रिल 30 पर स्कूल खोलिबा पर परीक्षा पर निष्पत्ति नेबे सरकार। नंबर पाँच, एप्रिल 30 जाए स्कूल कॉलेज बंद। उत्तर प्रदेश में माड़ी चली कोरोना आक्रांत संख्या। यह दृष्टि रखी प्रथम श्रेणी द्वादश श्रेणी पर्यंत समस्त सरकारी एवं बेसरकारी स्कूल गुड़िक एप्रिल 30 पर्यंत बंद रखापी निर्देश देते योगी सरकार। तेबे एही समय रे कोचिंग सेंटर गुड़िक मध्य क्लास करिपारिबे नाही। केवल पूर्व निर्धारित परीक्षा गुड़िक अनुष्ठित हेबो बोली सरकार कहिछन्ति। मंत्री मानकर बैठक बसिबा परे सीएम योगी आदित्यनाथ एपरि निष्पत्ति नेथिबा जणा पड़िछि। नंबर छ, सीबीएसई परीक्षा बातिल पाई चिट्ठी। देश में कोरोना भाइरस महामारी एवं द्वितीय लहरी तीव्र होबार लगी। दैनिक लक्षाधिक आक्रांत चिन्हट होती। तेबे ए परिस्थिति रे एबे सीबीएसई रो दशम बोर्ड परीक्षा को नहीं अभिभावक माने चिंतारे पड़िछन्ति। तेबे छात्र छात्री मानकर अभिभावकों उद्वेग को नहीं कांग्रेस रो साधारण संपादक प्रियंका गांधी रविवार दिन केन्द्र सरकार को पत्र लिखिछन्ति। नंबर सात, कोरोना बढ़ुचे सीमार चली जांच। कोरोना मुकाबला रे ओडिशा चिंता बढ़ाई पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़। ओडिशा और छत्तीसगढ़ समस्त सीमा को सील कर पुलिस। कोरापुट जिला चांदिली ठारे पुलिस तंबू टाणी जांच प्रक्रिया को कड़ाकड़ी कर। छत्तीसगढ़ पटु संक्रमण भय थिबारु पश्चिम ओडिशा जिलागुड़िकर सीमा सील कर जेपरी जड़े भी संक्रमित व्यक्ति छत्तीसगढ़ ओडिशा भितर को न पशि आसती से नहीं तीक्ष्ण नजर रखा। नंबर आठ, सुवर्णरेखा मुहाणर हेब बंदर।
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ବନ୍ଦର। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରି ଆସନ୍ତା 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦର କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଚୌମୁଖଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣରେ ଏହି ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏଥିଲାଗି 2008ରେ ଚେନ୍ନାଇର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପୋର୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ବାର୍ଷିକ 55 ନିୟୁତ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ କାରବାର ହେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ନମ୍ବର 9, ଟିକାର ଅଭାବ, 900 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ରବିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟିକା ଉତ୍ସବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଟିକାର ସଙ୍କଟ ରହିଛି। ଟିକା ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେଡ଼ି। ଟିକା ଯୋଗାଣରେ ପାତର ଅନ୍ତର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟରେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 900 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ କେବଳ 587 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 42,97,32 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10, ଆଜିଠାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏ ନେଇ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ BMC ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ନମ୍ବର 11, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଲକଡାଉନ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଛତିଶଗଡ଼ରେ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକଡାଉନ ଲାଗିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକଡାଉନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ବିଳାସପୁର, ସରଗୁଜା ଓ ସୁରଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକଡାଉନ ଲାଗିବ। ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରୁ ସୁରଜପୁର ଏବଂ ସରଗୁଜା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକଡାଉନ ଲାଗିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ। ସେହିପରି ବିଳାସପୁରରେ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରୁ ଲକଡାଉନ ଲାଗିବ। ଏହି ଲକଡାଉନରେ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ନମ୍ବର 12, 2 ଦିନ ଭିତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲକଡାଉନ ହେବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନାର ମହାମାରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ରବିବାର ଦିନ ଏକ ଟ୍ୟାକ୍ସବୋର୍ଡ କମିଟି ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡାକି ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମହାମାରୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଥିଲେ 10 ଦିନିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସବୋର୍ଡର କମିଟି କହିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ 14 ଦିନର ଲକଡାଉନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲକଡାଉନ ପକାଇବା ପାଇଁ 1-2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ପିପିଲିରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା। ପିପିଲି ପ୍ରଚାର ବେଳେ ହିଂସା, ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏବେ ପିପିଲି ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଲାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା। ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଆଜି 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଜେନାପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଆହତ ହେବା ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ଡିଲାଙ୍ଗ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ନମ୍ବର 14, ଆଜିଠାରୁ ପିପିଲିରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେ ରାଜନୀତି ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଆଜିଠାରୁ ପିପିଲିରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେପଟେ 13 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟରେ କାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋଏଲ ଓରାମ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ। ଅନ୍ୟପଟରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ଏବେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି 2 ମୃତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଜରଡ଼ା ଥାନା ପାଞ୍ଚ ଆମ୍ବ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। PDS ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି 2 ଜଣ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16, ଆଗାମୀ 5 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମାଲକାନଗିରି,
ता सहित नयागढ़ कोरापुट गजपति नुआपड़ा रायगढ़ नवरंगपुर बरगढ़ सुंदरगढ़ या सहित संबलपुर और जाजपुर जिले में येलो वार्निंग जारी करा जाई छी। एही जिले में आज झड़ वर्षा हो पारे। नंबर 17 देवगढ़ में 3 शिक्षक निलंबित। ओटीईटी परीक्षा देवा बेले परीक्षा केन्द्र को परीक्षार्थी मोबाइल नेबा घटना रे परीक्षा केन्द्र दायित्व रे थिबा 3 शिक्षक को चाकरीरु निलंबित करा जायचे। परीक्षा केन्द्र को जने परीक्षार्थी मोबाइल फोन नेइथिबा जणा पडिबा परे मोबाइल फोन जबत करा जायथिला। परीक्षार्थी जणक मोबाइल फोन रे प्रश्नपत्र रो फोटो उठाइथिबा अभियोग होइथिला। एही घटना रो तदंत परे कार्य रे अवहेला जको 3 जण शिक्षक को निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी। नंबर 18 भारत को आसुची आउ 5 कोरोना टीका। चलित वर्ष अक्टोबर मास सुधा भारत को आउ 5 कंपनी द्वारा प्रस्तुत COVID-19 टीका मिलिबार संभावना देखा देइचे। तबे भारत रे वर्तमान 2 कोरोना टीका को मंजूरी मिलिचे जहां मध्यरे रहिचे कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन टीका। हेले चलित वर्ष शेष सुधा भारत को आउ 5 COVID-19 टीका मिलिबार सूचना मिलिचे। नंबर 19 टीका उपरु वयस कटकणा हटा जाऊ कहिले दिल्ली मुख्यमंत्री। दिल्ली रे एबे कोरोना भाइरस उद्वेगजनक भाबरे वृद्धि पाइबार लागिछे। तेबे दिल्ली सरकार कहिछन्ति कि टीकाकरण उपरे वयसर कटकणा को हटाई दियंतु केन्द्र सरकार। एने केजरीवाल केन्द्र सरकार को निवेदन करिछन्ति। एहा सहित से आहुरी मध्य कहिछन्ति कि कोरोना महामारी मुकाबिला पई संपूर्ण लॉकडाउन एहार समाधान नुहे। कोरोना भाइरसर चक्र चेन को भांगिबा पई 45 वर्षर कम वयस्क लोकमानक मध्य टीका दिया जिबा उचित। नंबर 20 रेमडेसिविर रप्तानी को कटकणा। देश में कोरोना संक्रमण बढ़ी चलिथिबारु केन्द्र सरकार रेमडेसिविर तथा यही औषध प्रस्तुत करुथिबा कंचामाल उपरे रप्तानी को निषेध करिछन्ति। देश में कोरोना महामारी स्थिति सुधुरिबा पर्यंत यही कटकणा बलवत्तर रहिबो। केन्द्र सरकार पक्षर जारी करा निर्देशनामे कहुई कि रेमडेसिविर औषध उत्पादनकारी कंपानी मैंने वेबसाइट निजर स्टॉकेज एवं डिस्ट्रीब्यूशन विवरणी देवे। या सहित मौजूद थिबा स्टॉकर परिमाण दर्शाइबे। कोला बजारी को रोकिबा पई मध्य निर्देश दिया जाइछि। नंबर 21 330 टंका प्रीमियम रे मिलिबा 2 लाख टंकार बीमा। केन्द्र सरकार 2015 मसीहार आरंभ करिथिले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। जो योजन वार्षिक 330 टंका प्रीमियम बदल रे आपनको 2 लाख टंका पर्यंत बीमा मिलिबो। तबे जानंतु एहि योजनार लाभ किपरि उठाइबे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजन वार्षिक प्रीमियम केवल 330 टंका अटे। यह योजन 18 वर्ष रु 50 वर्ष बयसर जेकोसी भारतीय लाभ नहीं पारे। तबे यह जीवन ज्योति पॉलिसी को मैच्योरिटी होगा 55 वर्ष बयस लगी थाए और एपण मैच्योरिटी पर 2 लाख टंका पर्यंत मिली थाए। नंबर 22 विश्वयुद्ध आड़क मुहाँचे रुषिया। रुषिया एवं यूक्रेन परिस्थिति दिनकु दिन जटिल होबारे लागिछे। फळरे यूरोप रे एबे हाई अलर्ट भली परिस्थिति सृष्टि होईछे। रिपोर्ट मुताबक यूक्रेन को आक्रमण करिबा पई रुषिया समस्त प्रकार सामरिक सैन्य नियोजित करिबा सहित अस्त्रशस्त्र एवं अत्याधुनिक सामग्री ठुळ करिबारे लागिछे।